हे एवरीवन, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ये कुर्ता और पायजामा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये जो है ये 13 to 14 ईयर बॉय के लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। तो ये डिज़ाइनर कुर्ता जो है दिवाली के लिए है, दिवाली स्पेशल है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और ये हमारा आगे का पीस है, तो इसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक से। और इसकी लेंथ हमें 34 इंच लेनी है, 33 हम ये रेडी रखेंगे, तो 1/2 इंच ऊपर जाएगा और नीचे 7 इंच यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमें आर्म होल लेने हैं वो हमें यहाँ पर 6.5 ले लेंगे हम और मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसके उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि मैंने 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया था। इसके बाद 7 इंच पर मैं यहाँ पर कमर के निशान लगाऊँगी और 14 इंच पर हम यहाँ पर हिप का मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कमर के लिए 8.5 पे मार्क करेंगे और हिप के लिए वही हम 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इन तीनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। इंच टेप की हेल्प से हम इनको सीधा कर लेंगे निशानों को आपस में। ये देखिए तीनों निशान हमने मिला लिए हैं। अब हम ये आगे का पल्ला है तो इसमें हम लगभग 1 इंच पर हम यहाँ पर जो आर्म होल है उसकी गहराई दे देंगे और यहाँ पर गोलाई में शेप दे देंगे। 1 इंच पे दी है हमने यहाँ पर ये। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक के लिए हम 2.5 इंच विड्थ रखेंगे नेक की और 2.5 इंच ही हम यहाँ पर नेक की लेंथ लेंगे। फ्रंट नेक है ये और इसकी हम गोलाई दे देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर जो है वो डाउन कर दिए हैं यहाँ पर और इसको मैं नेक की जो मार्किंग है उससे मिला दूँगी। इसके बाद हम इसकी यहाँ पर अपने निशान पर कटिंग कर लेंगे और साइड से जो है ये निशान जो है सिलाई के लिए है तो थोड़ा हम इससे इधर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट जो पार्ट है हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमें इसमें डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन के लिए देखिए मैं राइट साइड से यहाँ से 1 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर से और दूसरी साइड पर हम नीचे की साइड इस तरह से हम 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दोनों निशान को आपस में इस तरह से तिरछा मिला देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और इसी निशान पर मैं कटिंग कर दूंगी यहाँ पर। तो ये हमारा फ्रंट पे डिज़ाइन आएगा। इसके बाद हम जो हमारा राइट साइड का पल्ला आया है उसमें हम 4 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे तो लगभग यहाँ पर 7 इंच आ रहा है। ये जितना भी आपका सही बैठ रहा हो आप उतने पर ही मार्क कीजिएगा, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस निशान को। तो इस तरह से कटिंग हो चुकी है हमारी फ्रंट पार्ट की। इसके लिए मुझे पट्टियाँ कट करनी है क्योंकि हमें जो सामने की हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसमें हमें पट्टी लगानी पड़ेगी। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट वाला पल्ला है जिधर नेक है वहाँ पर मैं यहाँ पर पट्टी कट कर ली है, उसी के नाप की पट्टी रखनी है और 3 इंच की पट्टी की हमने चौड़ाई रखनी है। लेंथ उसी को रख करके मैंने मेज़र कर ली है यहाँ पर और इस पट्टी को अब हम कट कर लेंगे। जॉइन कैसे करना है पट्टी को वो मैं आपको सिलते हुए बताऊंगी। तो इस तरह से एक साइड की कट कर ली है हमने, अब हम राइट साइड की पट्टी कट करेंगे। इसके लिए भी सेम ऐसे ही मेज़र कर लेंगे, जितने भी हमारे पल्ले की लेंथ बैठ रही है उतनी रख लेंगे और विड्थ यहाँ पर हमने 2 इंच लेनी है। इसकी पट्टी की 2 इंच पर रखनी है हमें। ये देखिए इस तरह से इस पट्टी पर हमने बटन लगाने हैं, जो ये वाली हिस्सा होगा इस पर हम बटन लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगी ये। तो नीचे के लिए भी हम पट्टी कट कर लेंगे, जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है एक नीचे जो हमने कट किया था। अब इसके बाद हम बैक साइड का जो पल्ला है वो भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है। देखिए तो वो हमने सिर्फ विड्थ वाइज 1/2 इंच कम लेंगे और जो आर्म होल है उसको हम 1/2 इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि बैक का आर्म होल है, तो 1/2 इंच हमारा ज़्यादा होगा और नेक इसमें सेम रखनी है 2.5 इंच पे ही। लेकिन हम लेंथ जो नेक की है वो सिर्फ यहाँ पर 1/2 से 1/4 इंच रखेंगे
और हाफ इंच शोल्डर जो है वो हम डाउन कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे सेम मार्किंग पर। और यहाँ से हम हल्का सा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कट हो चुका है, अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। लेंथ ले लेंगे जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है, इसकी मैंने 22 इंच रखी है और विड्थ यहाँ पर 8 इंच ली है। तो स्लीव्स की कटिंग के बाद हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फोल्ड कर लिया है और ये बटन वाली पट्टी है जहाँ पर हमारे बटन लगेंगे। तो इस पट्टी को मैं दोनों साइड से इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है एंड तक, इस तरह से रखेंगे दोनों साइड से फोल्ड करके। और इसको भी मैंने नीचे वाली पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लिया, प्रेस से सेट किया है मैंने इन पट्टियों को जैसे आप देख रहे हैं। तो पहले यही वाली हमने पट्टी अटैच कर लेनी है, ये राइट साइड वाली पट्टी है जो 2 इंच की काटी थी। तो आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले प्रेस से सेट कर लेंगे तो इजी रहेगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने ये अटैच कर ली है, अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमने नीचे जो पट्टी कट की थी एक साइड से इसको भी फोल्ड कर लिया है, इसको हम अटैच कर लेंगे इसके साथ में इसी तरह से। और ऊपर साइड से हमें थोड़ा ध्यान से फोल्ड करना है, यहाँ से इसको हल्का सा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखते हुए ताकि ये यहाँ से हमें डिज़ाइन अजीब ना लगे, यहाँ से ये देखिए इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे इस पर हम। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, तो एक और सिलाई यहाँ पर हम डबल कर देंगे ताकि जो हमारी किनारा है वो यहाँ पर ना दिखे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा करके बिल्कुल इसको तैयार कर लिया है, ये हमारा पीस जो है रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी साइड जो हमारा है उस पर हमने क्या करना है, ये पाइपिंग की पट्टी है मैंने ली है यहाँ पर, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर हमने पाइपिंग निकालनी है इसमें, तो इस तरह से हम इससे पाइपिंग निकाल लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो देखिए पाइपिंग मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है। अब हम वो पट्टी अटैच करेंगे जो हमने 3 इंच की काटी थी, वो यहाँ पर अटैच करनी है। उसको भी मैंने सेम दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है, प्रेस करके सेट कर लिया है। और उसको मैं इसके नीचे रखूँगी इस तरह से और इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई है, बिल्कुल उसके साथ साथ हम इसको नीचे वाली साइड से लगाएंगे, देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको हम, आप हो सके तो नीचे से लगाना शुरू कीजिएगा, उससे झोल नहीं आएगा आप अगर नीचे की साइड से लगाएंगे तो। तो देखिए क्योंकि रेब है इधर की साइड तो आप इधर से ही लगाइएगा इसको, तो इस तरह से देखिए। तो देखिए यहाँ से मैंने अटैच कर दी है, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से रख करके इसको भी आप जिधर से हमने रेब आ रही है नीचे की साइड से ही लगाइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई है, दोनों पीस रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम बैक का पीस लेंगे अपना और इसको हमने अटैच करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसको शोल्डर को ज्वाइन करना है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम जो हमारा पूरे वाला हिस्सा है यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसको हम पूरे को अटैच करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको पूरा अटैच कर देंगे इसमें। तो देखिए अटैच हो चुका है। इसके बाद जो हमारा ये कट वाला हिस्सा है जो हमने 1 इंच वाला काटा था उसमें हमने जो हमारा बड़े वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके एक पट्टी लेंगे लगभग 2 इंच की और उसको हम इस तरह से उस पट्टी को इसके किनारे पर के जहाँ पर शोल्डर आएंगे वहाँ पर अटैच कर देनी है। ये देखिए हमने पट्टी अटैच कर ली है ये। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमने शोल्डर के साथ में ज्वाइन कर देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ छोटे वाला हिस्सा ज्वाइन किया है वहाँ पर हमने उधर भी हमने ये पट्टी अटैच कर लेनी है, क्योंकि इस पट्टी पर हमने ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा इसलिए हमें यहाँ पर पट्टियाँ ही अटैच करनी पड़ेगी। ये देखिए जिस तरह से हमने दूसरे वाले हिस्से में पट्टी अटैच की है यहाँ पर शोल्डर पर, वैसे ही इसमें भी कर लेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से आएगी। यहाँ पर हमारे टीच बटन हमें लगाने पड़ेंगे और एक साइड से जो पट्टी है आप इसको फोल्ड करके तुरपन कर देंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगानी है और ये पट्टी इसके ऊपर इस तरह से आएगी जैसे आप देख रहे हैं। अब जो शोल्डर्स हैं उन पर हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड में सिलाई लगानी है हमें, ये इधर भी लगा देनी है और दूसरी साइड जो शोल्डर है उधर भी लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद अब का यहाँ पर मैं स्लीव्स जो है अपनी वो अटैच कर लूँगी। तो स्लीव्स का सेंटर लेंगे और देखिए जो हम कुर्ते वगैरह बनाते हैं इसमें हमने स्लीव्स पहले ही अटैच करनी पड़ती है। आपने अगर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी शेरवानी वाली, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं एक बार, उसमें भी आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाली है इस तरह की। तो देखिए स्लीव्स मेरी अटैच हो चुकी हैं, ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी स्लीव्स जो है अटैच कर दूँगी। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है दूसरी साइड भी और अब मैं जहाँ पर हमारे चाक आएंगे वहाँ तक मैं सिलाई कर लूँगी। तो चाक वाली सिलाई भी मैंने यहाँ पर कर ली है, इसके बाद मैं चाक अपने फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से हम इसमें चाक जो होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक आपको फोल्ड करने हैं, बिल्कुल पतले पतले, जैसे आपने मार्केट के देखे होंगे जो हमारे कुर्ते आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने चाक के लिए इसलिए फैब्रिक नहीं छोड़ा था। तो इस तरह से हम अपने जो चाक है वो चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे, सारे फोल्ड कर लेने हैं हमने। तो देखिए इस तरह से मोड़ते हुए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, किनारे भी आपको इस तरह से फोल्ड कर देने हैं। तो देखिए मैंने इसके जो चाक है वो भी फोल्ड कर लिए हैं और साइडों की सिलाई भी लगा ली है, स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं और पाइपिंग भी लग के रेडी हो चुकी है। और ये पट्टियाँ भी देखिए इस तरह से आएगी एक दूसरे के ऊपर जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और ऊपर से खुला रहेगा ये, वहाँ पर टिच बटन आएंगे। इसका गला मेज़र कर लेते हैं कि हमें कितना इसका गला है, कि हमें कॉलर कितना लगाना है इसमें। इस तरह से आप इंच टेप रख के, तो 16.2 आ रहा है, तो मैंने इतने ही इंच का अपना यहाँ पर एक कॉलर कट कर लिया है। इसका सेंटर ले लेंगे कॉलर का और वैसे ही सेम अपने कुर्ते का भी गले का हम सेंटर ले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो गला है वो बिल्कुल सही बैठेगा, इससे कॉलर बिल्कुल सही बैठेगा। तो देखिए अब हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और हमने जो कॉलर लगाना होता है वो ध्यान रखिएगा हम रोंग साइड से लगाना शुरू करेंगे। जो कुर्ता है उसको मैंने रोंग साइड से रखा है और ये देखिए प्रेस से सेट करना है पहले कॉलर को, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने प्रेस से पहले सेट कर लिया था। और इस तरह से एक साइड से मैं अटैच करके आपको दिखा रही हूँ कॉलर कैसे अटैच करना है। तो देखिए कॉलर जो है हमारा अटैच हो चुका है एक साइड से, इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी कॉलर को जो है अटैच कर देंगे। और इसके बाद हमने कॉलर एक साइड से अटैच कर लिया है और दूसरी साइड से हम सीधी साइड में इसको पलटते हुए, जैसे आप देख रहे हैं सीधी साइड में, हम फिनिशिंग के साथ में एक सिलाई लगा देंगे और इसके बाद इसको टॉप ऊपर की साइड भी हम सिलाई ये पूरे में ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी जो सिलाई है उन कॉलर पे पूरे पे लगा दी है। तो देखिए कॉलर जो है हमारा अटैच हो चुका है, तो मैं आपको इसको पूरा देखिए इस तरह से आएगा ये। तो कुर्ता हमारा बनकर रेडी है, तो देखिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ ये किस तरह का आएगा। तो देखिए ये इस तरह से तैयार हुआ है। तो ये कुर्ता आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पजामा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।